तुम्हारे अबू ऑब्जर्वेंट थे बहुत, बहुत मतलब वो हमें अपनी बेटियों को लेके तो बहुत ज्यादा ही वो होते थे. तो जो भी रिश्ते कभी पहले भी रिश्ते आए जो भी हुआ, तो बाबा वो इंसान नहीं थे कि फॉरेन से उन्हें बाबा कहते थे नहीं मेरी बेटी के लिए ऐसा आदमी होना चाहिए ऐसा होना चाहिए. तो फलक वो थे कि उन्हें लगा कि ऐसा आदमी. अच्छा देखो ये तो लाहौर में रहते थे और तुम लोग कराची में रहते. मेरी भी शादी हुई तो मेरे अब्बा ने ना कोई एक आध बंदा पीछे लगाया था यासिर का पूछने के लिए क्या मतलब बेटियों के बाप करते हैं उनका हक होता है. सो इनके पीछे किसको लगाया था तुम लोगों ने? अच्छा इनके पीछे कोई भी नहीं लगाया था, इन्होंने दो इस्तखारे किए थे. मैंने एक इस्तखारे दो इस्तखारे किए एक नहीं दो. मैंने कहा ये कहीं गलत ना आ जाए, फिर मैंने दोबारा किया. अच्छा जो जो पहले वाला है ना वो जरा सुने तो सही कितना जबरदस्त. बताओ ये तो बताने वाली चीज है. मैं आप हाँ शादी है इसने इस्तखारा किया मना तो नहीं होता ना. क्या टाइम क्या था? असर का टाइम था. असर नहीं नहीं रात हो रही थी, सोने वाली थी मैं तो मैंने. अच्छा जब मुझे इसने बताया मुझे बहुत हंसी आई. सुने मैंने बाबा ने कहा इस्तखारा करके सोना. हाँ. मैंने कहा ठीक है मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गई और इस्तखारा इस्तखारा करके ना मैं जानमाज भी सो गई दुआ करके कि अल्लाह ताला जो भी मेरे लिए अच्छा है वो, जो नहीं है वो ना हो. और जबरदस्ती सो गई. और वही सो गई जबरदस्ती कि ख्वाब आएगा. और मैं जैसे ही सोई फिर मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोई होंगी. हाँ. मुझे ख्वाब आया कि मैं दुल्हन बनी हूँ और मैंने रेड कपड़े पहने हैं. और मेरे भाई ने कहा बाबा मुझे ख्वाब आ गया. बाबा ने कहा तुम 5 मिनट पहले ही गई थी और तुम 5 मिनट ही सोई हो, ख्वाब भी आ गया. और बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता, ख्वाब फौरन नहीं आ जाता. हाँ. वो मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट थी ना तो वो ख्वाब उनकी तसल्ली नहीं हुई. फिर मैंने दोबारा किया तो ख्वाब तो खैर मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी. अच्छी फीलिंग है, भारी भारी नहीं था. मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए. मुझे लगा कि हाँ सब अच्छा है. हाँ मतलब क्लियर कोई वो नहीं था, पैगाम नहीं था. हमने कुछ पूछा ना इन्होंने ना कोई इस तरह की बात हुई. हमने बगैर सोचे मैंने शादी कर ली. अस्सलाम वालेकुम. मुझे कहते हैं जी हिरा मानी. सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू.